नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये बीएससीएससी सेंटर तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर भी चुके हैं, तो वो सीएससी की तरफ से आप लोग को अगर बैंक बीसी लेना है तो दोस्तों आप लोग को एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप लोग को एग्ज़ाम के लिए अपनी सीएससी आईडी को इस तरह से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर कैप्चर कोड, यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा। सर्च के ऑप्शन में आप यहाँ पर लिखेंगे एग्ज़ाम। एग्ज़ाम लिखते ही दोस्तों यहाँ थर्ड नंबर के ऑप्शन में आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग को कुछ इस तरह से आ जाएगा और पर तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए, आईबीएफ का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सेकंड मिडिल नेम है तो दोस्तों वो भी डाल दीजिए अपना। यहाँ पर अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ और आप मेल हैं या फीमेल हैं ये सेलेक्ट कर लीजिए। के बाद ग्रेजुएट है या अनग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रेजुएट था, मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट। के बाद यहाँ पर अपनी किस जिससे आपने किया, बैचलर, एलएलबी है, किस चीज़ से भी, एमबीएस है, जो भी है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो मेल आईडी अपनी डाल दीजिए। यहाँ दोस्तों अपनी मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आप कहीं भी दो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल सकते हैं और आधार कार्ड की फोटो कापी दोस्तों अब यहाँ लगाना पड़ेगा स्कैन करके। नीचे जाओगे दोस्तों तो आप लोग को यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड बहुत सभी के पास रहता है तो पैन कार्ड इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका आईडी प्रूफ, इसकी जो पैन कार्ड की आपने अप्लाई किया तो पैन कार्ड नंबर डाल के यहाँ पर पैन कार्ड की फ़ोटो स्कैन कर लीजिए। नीचे की तरफ दोस्तों आओगे तो यहाँ पर दोस्तों मीडियम मतलब आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है ये सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटर नेम, जिस भी सेंटर से आप, जिस भी राज्य से हैं वहाँ के सेंटर, जैसे उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिए, उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड, जिस भी राज्य से हैं यहाँ पर आपको सारे राज्य का नाम लिखने का। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी बैंकिंग की पेपर जहाँ देना चाहते हैं वहाँ पेपर दे के अपनी डेट सेलेक्ट स्लॉट बुक कीजिए और टाइमिंग सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट में करेंगे। नीचे की तरफ में आएंगे दोस्तों तो यह कैचअप को डाल के इसके पेमेंट करेंगे। दोस्तों पेमेंट का आपको, पेमेंट आपका यूपीआई, गूगल पे, जिससे भी आप कर सकते हैं। तो यूपीआई आईडी से अगर आप सीएससी आईडी में अपने वॉलेट में पेमेंट करते हैं तो वहां से वॉलेट से पेमेंट कर ये पेमेंट कम से कम दोस्तों 600-700 रुपये का होता है। उसके बाद आपको इस तरह का एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आप एडमिट कार्ड को ले जाके अपने पेपर सेंटर पर दीजिए और दोस्तों इसकी जो सर्टिफिकेट है कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट आती है, जो कि इस तरह से है। मेरा दोस्तों डॉक्यूमेंट मैंने सब कुछ लगा के किया था तो मेरा पेपर भी हो गया और साथ ही साथ मुझे इसकी सर्टिफिकेट भी मिल गई है। अब इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोग अपनी सीएससी आईडी की तरफ से बैंक इसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ सीएससी की तरफ से आप लोग बैंक बीसी लीजिए। और प्राइवेट कंपनी से लेने से बढ़िया आप सीएससी से लीजिए, कोई खर्चा भी नहीं आएगा, आपको लोग का पैसा ही बचेगा। तो दोस्तों ये कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि सीएससी के माध्यम से अगर बैंक बीसी लेते तो कमीशन आपका कोई कट नहीं होता। अगर प्राइवेट बैंकों की तरफ से, प्राइवेट संस्था की तरफ से आप बैंक बीसी लेते हैं तो दोस्तों आप लोग का पेमेंट वैसे 2% आपको काट के दिया जाता है। मान के चलो 50,000 का आपका कमीशन हुआ है तो कमीशन के दोस्तों आपको 2-3% काट लिया जाएगा, तब जाके आपको आपको पेमेंट मिलेगा। और सीएससी के माध्यम से दोस्तों कोई पेमेंट कट नहीं होगा, आपको पूरा पेमेंट मिलेगा आपको। तो दोस्तों बस आपके लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।